मुंबई से सटे महज कुछ ही घंटे के अंतर पर भिवंडी जैसे शहर में लगातार आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से लगभग 10 ऐसी घटनाएं आग की हो चुकी हैं, जिसमें बड़ी छोटी सभी आग की घटनाएं हैं। हम आपको बता दें कि भिवंडी के धामनकर नाका इलाके में सोनीबाई कंपाउंड इलाके में बड़ी आग लगी हुई है, जहां पर पावर लूम के साथ साथ एक कपड़ा गोदाम भी जलकर खाक हो चुका है। बता दें कि एक पावर लूम में पहले आग लगी थी, उसके बाद एक और पावर लूम कंपनी और साथ ही में एक गोदाम को आग ने अपने चपेट में ले लिया। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। गनीमत है कि इस आग के वजह से किसी की भी जान नहीं गई है, लेकिन माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बता दें कि इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि आग की घटनाएं इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। मार्च महीना आते ही आग के घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट या फिर ऐसा कोई भी वजह साफ नहीं बताया जा रहा कि किस वजह से यह आग लगी है। हम आपको बता दें कि आग यह लगती है या फिर लगाई जाती है, यह सवाल बार बार उठाया जाता है, लेकिन इस बात की जांच यहां का कोई भी अधिकारी या फिर ऑफिसर करने को तैयार नहीं। खाली खाली जाऊ घेता का खाली आहे तिथे त्याला फोटो फोटो देख दरवाजे हा घेतो घेतो आग बढ़ रही है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।